देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, आरजेडी जब हूराबाद की बात किया था तब भी हम विरोध किए थे। आरजेडी यदि बैकवर्ड फॉरवर्ड या जदयू यदि दलित महादलित पसमंदा गैर पसमंदा की बात किया था तब भी हम विरोध किए थे कि आप मुसलमानों में कैसे बांट सकते हैं, मुसलमानों में आप बैकवर्ड फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, मुसलमानों में आप शेख सैयद सूरी आप कैसे कर सकते हैं, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं देता है, कभी नहीं इजाजत देता है। और आप हमेशा वोट के लिए आप मुसलमान को भी बांटने की बात की, आप क्या आप इस्लाम को जानते हैं, क्या आप बुद्ध के धर्म को जानते हैं? आप कभी कहते हैं बाप की पार्टी माए की पार्टी, कभी कहते हैं आप कि एक बैकवर्ड एक हो जाओ फॉरवर्ड लोग एक हो गए। मैं ऐसी चीजें नहीं मानता हूं, मुझे पसंद नहीं है ऐसी चीजें। और मैं वोट के लिए कभी बैकवर्ड को बाप बना लूं, कभी फॉरवर्ड को गाली दूं, कभी दलित को, ये लोग तो दलित विरोधी लोग हैं हिंदुस्तान में, कभी भी दलितों को और अत्यंत पिछड़ा निषाद मलाका हर कमार को बढ़ने नहीं दिया। लेकिन सवाल वो नहीं है, ये लोग जाति जनगणना के विरोध में है, ये लोग आरक्षण के विरोध में है, ये लोग समाज के हर तबके के विरोध में है। लेकिन ये बच्ची इनसे पूछिए, इनकी माँ बगल में है, इनसे पूछिए कि इनके भाई को मार दिया गया, थर थर किए गए, ये माँ है, इन बच्ची को लीजिए, इनसे पूछिए सीतामढ़ी से आ जाए, सीतामढ़ी कौन जात है पूछिए इनसे, ये बताएंगे जात। और इनसे पूछिए कि इनके पिता इनका भाई पैर पकड़ के माफ बोला हमारी मदद कर दीजिए, क्रिमिनल कह रहा मार देंगे अभी ये चारों को, अभी दो को मारे हैं, कोई न्याय देने वाला नहीं है, पूछिए इस बच्ची से क्या कह रहा है, पूछिए। बोलो 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 जी। हाँ। जी सर, हम जो चार भाई बहन बच्चे, दो पापा मम्मी भैया और मैं, हम चारों का आज भी मारने के लिए जान मान का खतरा है, और मेरे जो दो भाई को मार दिया गया है आज तक न्याय नहीं मिला है, हम लोग दर दर भटके हैं, हम लोग दर दर भटके हैं। ये मारने वाले कौन लोग हैं, मारने वाले कौन लोग हैं, मारने वाले कौन लोग हैं? सूरज, संजीव, डॉक्टर अजय, डॉक्टर एस्नेया, रिंकी जायसवाल, सिद्धि, राजन, क्यों, उनकी बीवी और क्यों मारा उन्होंने, क्यों मारा उन्होंने, क्या लड़ाई है तुम्हारी उनसे? मेरी इनसे यही लड़ाई है कि पहले पूर्व में पहले जमीनी मामला था लेकिन वो खत्म हो गई, और 196/23 में गिरफ्तारी नहीं होने के कारण मेरे भाई की मर्डर हो गई। अगर उसमें सुनवाई हो ही रहती तो मेरे भाई की मौत नहीं होती। अच्छा, तो पुलिस में गए, कितनी बार गए पुलिस में, मिले एसपी से, मिले दरोगा से, मिले? जी जी सर, मैं कितनी बार, मेरे पापा गए थे कितनी बार, एसपी से मिले, डीएसपी से मिले, आईटी ऑफिस गए, राष्ट्रपति भवन भी गए, वहां तक पहुंचे, प्रधानमंत्री के भी पास गए। अभी हम लोग हार चुके हैं, यही करने के लिए आए कि अब हम लोग को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, ना हम लोग को कुछ मिल रहा है। पप्पू अंकल के पास आए कि पप्पू अंकल हेल्प करेंगे, नहीं, कुछ होने के बाद हम लोग आत्महत्या ही करेंगे, क्योंकि पुलिस पप्पू जी हेल्प करेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन क्या सीतामढ़ी के आप विधायक या एमपी के पास गए मदद मांगने? जी वहां तो गए थे, पापा पूरे दर दर भटके। अच्छा, पापा से आप एक बार पापा से बात कर लीजिए। नहीं नहीं, हम समझ गए। जी नमस्ते, मैं मीडिया से मांग करना चाहता हूँ। हाँ। नीतीश कुमार जिसके ऊपर कोई आम जनता जो है आरोप लगाता है उसी पदाधिकारी को भेजा जाता है, ये कहाँ का नियम है बिहार सरकार का? और हमने 2 साल तक ले सुत्ता लेखा भगवाया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार का डीजेपी के चिट्ठी आया, गृह विभाग को आया वो भेज देता, आईजी को, आईजी भेज देता एसपी को, एसपी तो घुसखोर है, एसपी तो पैसा लिए हुआ है, कोई जांच नहीं करता है, कितना बार गए गुहार लगाए, फोन से व्हाट्सएप से बात किए, बातचीत किए, ये 196 तक की बात है, उसके बाद 196 में गिरफ्तारी मुद्दा जो है 379, 384, 406, 452 का मुद्दा है। आपके परिवार में कितने लोगों की हत्या हुई है? 2 का हत्या कर दिया गया, 24 साल का। अच्छा, वो कैसे हत्या किया, कहीं जा रहा था बीच रास्ते में किया, कैसे किया?
पूरा परिवार जो है पुलिस के डर से, मुदाला के डर से पूर्वी चंपारण में रहते हैं 3 सालों से। 3 सालों में कम से कम 50 आवेदन दिए, 50 बार गिरे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री का। तो अभी जो है विजय कुमार सिन्हा क्या बोलता है, 1/4 विधायक से मिली है तो मुख्यमंत्री कहे के लिए है। 2 महीना पहले चौधरी जो है बोलता है कि जो है 10 दफे मिल चुके, कम से कम 2 आवेदन दे चुके, कल भी पटना में मिले। वो जो है बोलते चिट्ठी भेज दिए, तो क्या मुख्यमंत्री का वैल्यू नहीं है एसपी को बुला करके? चलिए तो आप पप्पू जी के पास पहुंचे, आप पप्पू जी के पास पहुंचे मदद मांगने। इसलिए मदद मांगने आए हैं कि विगत 3 महीना होने जा रहा है, मेरा डायरी नहीं दिखा रहा है। पुलिस जो है बोला कि जहाँ पूर्वी चंपारण वहाँ गवाही ले लेंगे, जो गवाही थी उसमें डायरी खराब किया जा रहा है, वो मुद्दाला छूट जाएगा तो मेरी तो हत्या ऐसे भी हो जाएगी, तो हम तो आत्मदाह करेंगे पटना में। मगर पप्पू भी अलग आए हैं इनसे संरक्षण लेने के लिए कि हमको 2-4 दिन रखिए अपने घर में, अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम जो ऐसे जो मुख्यमंत्री के विरोध में है वो सब ऐसे कागज है मेरे पास, सख्त है, अभी कल भी दिए है सम्राट चौधरी। आप देवेश चंद ठाकुर के पास गए थे? देवेश चंद ठाकुर के पास गए थे आप? देवेश चंद ठाकुर जी कने 10 फोन से बात की है, 10 बार बोले कि 2 तारीख को, तो 5 को कि ठीक है हम फोन करते हैं, 6 तारीख को बात करिएगा। 6 तारीख का बात की है तो दरमियान 10 दफे बात हो गया। चलिए हम आपका न्यूज जरूर दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एक डरा हुआ परिवार पप्पू यादव की शरण में पहुंचा है, मदद मांगने पहुंचा है, सीतामढ़ी से पूर्णिया पहुंचा है। निश्चित तौर पर हम ये न्यूज जरूर दिखाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो हुक्मरान हैं, जो पुलिस है, उस तक आपकी बात पहुंचे और आप किस तरीके से डरते हुए पप्पू यादव की शरण में पहुंचे। तो ये हम आपके बारे में आपकी जो परेशानी है वो हम जरूर बताएंगे। पप्पू जी आप बताइए। देखिए 2 महीना पहले इसके बच्चों की मौत हुई, 20 साल 24 साल, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अभी फिर मुजफ्फरपुर में एक बालिका गिरफ्तार हो गया, नौकरी के नाम पर 100 मुजफ्फरपुर इन्हीं का इलाका है, नौकरी के नाम पर 100 बच्ची का बलात्कार हुआ है, 100 बच्ची का। अभी 2 दिनों से वही चल रहा है टीवी पर, सभी चैनलों पर, नौकरी के नाम पर। आप क्यों नहीं गए वहां? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि सीतामढ़ी में आपको वोट क्यों देता लोग? आपने कभी इतनी मर्डर, इतनी घटना घटी, कभी आप गए नहीं? पुलिस गोलीकांड हुआ आप गए नहीं, बाढ़ हुआ आप गए नहीं, अभी औरंगाबाद में एक श्रिया बच्ची का बलात्कार हुआ है जिसकी उम्र मात्र 16 साल है, 5 लड़के ने मिलकर बलात्कार करके मार दिया। वो तो जाधव नहीं है, वो तो मुसलमान नहीं है। मुजफ्फरपुर में जो 100 बच्ची का बलात्कार किया गया है अलग अलग एनजीओ के द्वारा, वो तो जाधव मुसलमान दलित नहीं है, वो तो लड़की है, वो तो बच्ची है। क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? आज पूरे सोशल आपकी आवाज गायब हो, आपकी आवाज गायब हो रही है। अब बोलिए जी। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब बोलिए जी। जी जी बोलिए। मैं वही कह रहा हूं कि आप इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी 2 महीना पहले, आप इनसे पूछिए कि जो इतना नफरत पाल चुके हैं उनसे पूछिए कि तुम्हें वोट क्यों देता।